माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? बेटा लैक्टिक एसिड जहां पे बनी मसल्स के अंदर, कितने एटीपी? दो, केवल दो। बेटा जहां पर इथेनॉल बना मतलब ईस्ट के अंदर, कितने एटीपी? बेटा केवल दो। बेटा तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया में जब कार्बन डाइऑक्साइड बना, कितना एटीपी भाई? 38 एटीपी। कितना फोल्ड ज्यादा है, समझ में आ रहा है तुमको? कहां पर दो, कहां पर 38? पावर हाउस ऑफ सेल, बहुत ज्यादा एनर्जी बनाई जा रही है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। एंड इट इज फॉर दैट रीजन वी कॉल द माइटोकॉन्ड्रिया एज पावर हाउस ऑफ सेल। कैसे हैं आप? मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ हर बार ही की तरह, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गेटिंग इन टू द टॉपिक, हम लोग डिस्कस करेंगे पहले कि रेस्पिरेशन करना जरूरी क्यों है। एक व्यक्ति है मान लीजिए जिसको हुई कमजोरी, तो हमने उसको नमक चीनी का पानी दिया या फिर नींबू पानी दिया, थोड़ी सी चीनी डाल के, क्यों? ताकि उसको एनर्जी मिल सके। वही पर्पस है हमारे खाना खाने का। खाना खाने के बाद में भी हमें एनर्जी ही मिलती है। एनर्जी मिलती कैसे? लेकिन आपने तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, जहां पर आपने खाना कंज्यूम करा जिसके अंदर या तो कार्बोहाइड्रेट था, या तो लिपिड था, या तो प्रोटीन्स थे। अब जब पूरा डाइजेशन हुआ, कहीं पर भी एनर्जी का जिक्र हुआ? यू स्टडीड होल डाइजेशन राइट? अगर आप क्लास 11th वाले हैं तब भी आप बात समझिएगा, आपने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। डिड यू एवर कम अक्रॉस दिस 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 एनर्जी इन इट? नो। हुआ क्या था, वो कॉम्प्लेक्स चीजों को आपने यहां पर डाइजेशन किया और सिंप्लीफाई कर दिया, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पूरी तरीके से डाइजेशन होने के बाद में उसे अब्सॉर्ब किया गया, पहुंचाया गया ब्लड वेसल्स तक, और ब्लड वेसल्स उसको लेके पहुंची बॉडी के अलग अलग पार्ट में। बट भाई मेरे, एनर्जी कहाँ है? एनर्जी बनाई कहाँ तुमने? वो एनर्जी बनाने के जो प्रोसेस होती है, जो सिलसिला होता है, उसे कहा जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन को अगर मैं डिफाइन करने बैठू तो मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अ सूटेबल सब्सट्रेट। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें से हम एनर्जी डिराइव करेंगे, कब? ऑक्सीडेशन करने पर। किसका? सूटेबल सब्सट्रेट का। अब जब मैं सूटेबल सब्सट्रेट बोल रहा हूं, तो ये कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, ऑर्गेनिक नेचर का, और बायोलॉजी में इस सब्सटेंस को हम ग्लूकोज ही लेंगे। दिस इज C6H12O6। C6H12O6 बोले तो ग्लूकोज। सो यू गॉट योर ग्लूकोज, यू गॉट योर ग्लूकोज। नाउ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे, अगर इसके फॉर्मूले को देखोगे, तो आपको पता चलेगा भाइयों और बहनों कि यहां पर है 6 कार्बन, यहां पर है आपके पास 6 कार्बन, अरे 6 कार्बन 6C। ठीक है, अब ये ग्लूकोज आपके सेल तक पहुंचाया गया ब्लड वेसल्स के द्वारा, कैपिलरीज का एक्शन हुआ, तो ये हमारे सेल थी। इस सेल के अंदर हमने क्या कर दिया, इस ग्लूकोज को पहुंचा दिया। अब सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको आप बोलते हो साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोसेस करी जाती है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोसेस करी जाती है जिसकी जो प्रोडक्ट होती है, उस प्रोडक्ट को हमने कहना है क्या, पाइरूविक एसिड, पाइरूविक एसिड। अब नाउ स्टूडेंट्स, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि 6 कार्बन वाला ग्लूकोज जो था, उसका जब साइटोप्लाज्म के ऊपर कुछ प्रोसेस हुआ तो बना बना 3 कार्बन वाला 2 पाइरुविक एसिड, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्या, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। नाउ स्टूडेंट्स, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एंड दैट इज यू हैव गॉट द पाइरुविक एसिड इन योर साइटोप्लाज्म। You have what pyruvic acid in your cytoplasm, and what I need you to understand now is जो actual phenomena होगा वो अब है। अभी तक आपने ये देखा कि भैया हम सांस लेते हैं, सांस ले ली भाई, सांस लिया तो ऑक्सीजन दिया आपने। अब जो मैंने ऑक्सीडेशन वाली डेफिनेशन बोली थी, उसको पिक्चर में लेके आता हूं। तो मान लीजिए जब मैंने सांस ली तो अंदर गई ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के जाने पर इस पाइरुविक एसिड को आपके एक ऑर्गेनेल के अंदर पहुंचाया जाएगा, जिसका नाम होता है क्या, जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ आपने लोअर क्लासेस में ये पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। हमारे सब्जेक्ट टीचर ने हमें उस समय ये नहीं बताया होगा कि उसे पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं। इस वीडियो में हम उसका भी जिक्र करेंगे। नाउ
जब ये पाइरूविक एसिड पहुंची माइटोकॉन्ड्रिया में तो हुआ क्या, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके इस पाइरूविक एसिड को और तोड़ा गया, बदले में बनाया गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 ATP। और बच्चों ध्यान देने वाली बात है यहां पर, ये 38 ATP मेरी ऊपर से मैं जो ऑक्सीजन लेके आ रहा हूं वो ध्यान देने वाली बात है, ये क्योंकि ऑक्सीजन की मदद से हो रहा था तो इसे मैंने कह दिया, यहां वाले रिएक्शन को मैंने कह दिया एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब अज्यूम कर लीजिए, अरे भाई एरोबिक लिखा ही नहीं हमने, एरोबिक लिखा ही नहीं था, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब कंसीडर कर लीजिए कि ऑक्सीजन नहीं होता, कंसीडर कर लीजिए ऑक्सीजन नहीं होता, जैसे कि एक 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 सिंगल सेल फंजाई की बात कर लेता हूं मैं, ईस्ट, समझ लीजिए ईस्ट की बात कर लेते हैं, तो ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, उस केस में ये पाइरूविक एसिड क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो इन केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट, ये पाइरूविक एसिड क्या फॉर्म करता है बच्चों? इन ईस्ट पाइरूविक एसिड फॉर्म करता है यहां पर C2H5OH, मतलब दारूबद्ध नामक करती, दैट इज अल्कोहल, इथेनॉल। ये फॉर्म करता क्या? इथेनॉल अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP। नाउ आई वॉन्ट यू टू फिगर आउट दिस थिंग एंड अंडरस्टैंड कि यहां पर इथेनॉल के अंदर ओनली एंड ओनली 2 कार्बन आ दे, राइट? So you got 2 carbon here. You started with 3 carbon in pyruvic acid. With ethanol, you got only 2 carbon, and 1 carbon was lost in the form of carbon dioxide. आपने first chapter पढ़ा है जहाँ पे आपने पढ़ा था कि भैया reaction को balance करना पड़ता है। तो आप देखिए, आप 3 pyruvic acid से start कर रहे थे और यहाँ पर आपके पास 3 pyruvic, I mean 3 carbon से start कर रहे थे pyruvic acid में, और यहाँ पर 2 ethanol का और 1 carbon dioxide का हो चुका है balance। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं गया जिम और मैंने उठाया डंबल्स एंड आई स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग। आई वाज यू नो डूइंग दोस प्रेस, बेंच प्रेस वगैरह लगा रहा था मैं, पुलअप्स कर रहा था मैं, पुशअप्स कर रहा था। एंड आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ कि हम थोड़े से सांस फूलने लगी, हाथ वगैरह जो थे हमारे दुखने लगे, शायद उम्र का असर रहा होगा, हमें ऐसा लगा। उम्र उतनी नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी हमें लगा कि शायद हमारी उम्र 30 साल के आसपास हो चुकी है, तो शायद हमारी उम्र की वजह से ये जो हमारा शरीर है वो हमारा साथ नहीं दे रहा है। बट हमने वहां पे एक 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 दूसरे लड़के को देखा जिसकी उम्र महज 18 साल रही होगी, उसने भी वही करना था, मतलब उसने भी थोड़ी देर प्रेस वगैरह मारे, थोड़े पुशअप्स पुलअप्स करे और फिर उसके भी सांस खुलने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ, बोले भाई साहब हाथ दुख रहा है हमारा। तो मैं बोला यार तुम में और हमें उम्र का तो तकाजे का कोई 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 बहुत बड़ा फर्क नहीं आया है, हुआ क्या था कि हमारा भी हाथ दुखने लग गया, उनका भी हाथ दुखने लग गया। अक्सर जब हमारा शरीर जरूरत से ज्यादा काम करता है तो हमारी मसल्स दुखने लग जाती हैं, और वो दुखने का वजह क्या है पता है आपको? ये जो पाइरूविक एसिड था ये पहुंच गया आपके मसल्स के अंदर, ये पाइरूविक एसिड पहुंच गया आपकी मसल्स के अंदर, और वहां पर बच्चों ऑक्सीजन नहीं होती है। ध्यान से सुन लो, आपकी मसल्स में ऑक्सीजन बहुत नहीं होती है, ये मत कहना गौरव सर आपने बताया नहीं था, मसल्स के अंदर ऑक्सीजन ना होने की वजह से इस पाइरूविक एसिड से बहुत ज्यादा एनर्जी निकाली नहीं जा पाती, बदले में एक दूसरी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाती है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। नाम है बच्चों इस प्रोडक्ट का लैक्टिक एसिड, और इसके अंदर है 3 कार्बन। अब लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन है, पाइरूविक लेके आए थे उसमें भी 3 कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा नहीं, और यहां पर एनर्जी मिलेगी कितनी? केवल 2। अब मैं चाहूंगा कि तुम लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझो कि ये मसल और ईस्ट में क्या ऑक्सीजन का यूज हुआ। बोलो हुआ, अरे बोलो ना हुआ कि नहीं हुआ, बोलो नहीं हुआ सर। अब क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का यूज नहीं हुआ है तो इसको मैं बोल दूंगा एक एन एरोबिक प्रोसेस, या फिर एन एरोबिक रेस्पिरेशन, या फिर मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं तो मैं इसे कहूंगा फर्मेंटेशन, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसे फर्मेंटेशन ही कहें। ठीक बा, ठीक बा। ना ऊपर वाले केस में पाइरूविक एसिड ऑक्सीजन की मदद से टूट रहा था तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन बन जा रहा था। मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि
कि जो लैक्टिक एसिड है जब हमारे मसल्स में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है, तो हमारा जो भी पर्टिकुलर ऑर्गन था जहां से जिसको हम बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव यूज में ले रहे थे, वो दुखने लगता है। ठीक है, थोड़े समय के बाद में जब हमारा बॉडी नॉर्मलाइज होता है तो लैक्टिक एसिड अपने आप डिकम्पोज हो जाता है और हमारा शरीर और वो जो ऑर्गन था वो वापस अपने नॉर्मल फंक्शन पे आ जाता है। तो ये जो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि भाई साहब डिफाइन रेस्पिरेशन और डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे कि भैया एक व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, थोड़े समय बाद में हमने देखा कि उसका हाथ या उसका पैर जो था, उसका शरीर जो था, वो दुखने लग गया था और वो थकान के मारे काम नहीं कर पा रहा था, क्या हुआ होगा? तो वहां पर लैक्टिक एसिड बनी होगी और एनरोबिक रेस्पिरेशन हुआ होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाला जो भाग है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर इतनी कहानी आपको समझ में आ गई है तो आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है। बेटा लैक्टिक एसिड जहां पे बनी मसल्स के अंदर, कितने एटीपी? दो, केवल दो। बेटा जहां पर इथेनॉल बना मतलब ईस्ट के अंदर, कितने एटीपी? बेटा केवल दो। बेटा तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया में जब कार्बन डाइऑक्साइड बना, कितना एटीपी भाई? 38 एटीपी। कितना फोल्ड ज्यादा है, समझ में आ रहा है तुमको? कहां पर दो, कहां पर 38? पावर हाउस ऑफ सेल, बहुत ज्यादा एनर्जी बनाई जा रही है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। इट इज फॉर दैट रीजन वी कॉल द माइटोकॉन्ड्रिया एज पावर हाउस ऑफ सेल। तुमने ये समझ लिया, तो तुमने ये चीज समझनी पड़ेगी कि हर एक ऑर्गेनिज्म एक ही तरीके से इस ऑक्सीजन को शरीर के अंदर नहीं लेता है। हर ऑक्सीजन के पास अलग अलग मैकेनिज्म होता है। जैसे कि मान लो तुम बात कर रहे हो प्लांट्स के बारे में, जैसे कि मान लो तुम बात कर रहे हो किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में, जैसे कि मान लो तुम बात कर रहे हो किसी मछली के बारे में, जैसे कि मान लो तुम बात कर रहे हो तुम्हारे खुद के बारे में, क्या तुम सभी के अंदर एक ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्या? नहीं। अज्यूम कर लो भाई कि एक प्लांट है, अज्यूम क्या प्लांट ही है, इस प्लांट के पत्तों में जब तुम देखोगे, व्हेन यू विल लुक इनटू द लीव्स ऑफ दिस प्लांट, यू वुड फाइंड द लीफ वुड पजेस दिस बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स। ये दो ऐसे बीन शेप वाले स्ट्रक्चर जैसे कुछ फॉर्म होगा, क्या बोलते हैं इसको? इसको जहां पर हमने पढ़ा है और तुमको पढ़ाया है लोगों ने, उसे कहा जाता है स्टोमेटा। बताओ भाई स्टोमेटा क्यों जरूरी होते हैं तुमको? स्टोमेटा क्या करते हैं भाई मेरे? व्हाट डू द स्टोमेटास डू? स्टोमेटास कैरी आउट टू डिफरेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, आई मीन टू डिफरेंट टास्क। फर्स्ट इज दे कैरी आउट ट्रांसपायरेशन, एंड एज वी नो, अगर नहीं पता है तो अभी जान लो, एज वी नो एंड इफ यू डोंट नो लेट इट लेट लेट योर ब्रेन गेट दिस थिंग राइट नाउ। ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर बाय एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। लीफ है, एरियल पार्ट है, उसके द्वारा पानी छोड़ा गया वेपर के रूप में, तो उसे कहोगे ट्रांसपायरेशन। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। भाई साहब फोटोसिंथेसिस जब प्लांट करता है तो उसे चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई साहब तुमने क्या करा, तुमने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर डाल दी। अब तुमको ये पता होगा कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और वो ऑक्सीजन प्लांट्स क्या करते हैं, हवा में छोड़ देते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बाहर निकालने का काम और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का काम जो है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। जब अंधेरा होता है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है, तो ये स्टोमेटा जो ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा था अब वही ऑक्सीजन की मिन्नतें मत करेगा, उसको उसको मनाएगा, ए भाई अंदर आ जाना, ए भाई अंदर आ जाना। क्यों अंदर आ जा? क्योंकि मुझे रेस्पिरेशन करना है, मुझे तुझको यूज करके एटीपी बनानी है मेरे भाई। कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगा प्लांट्स के द्वारा इस प्रोसेस के दरमियान, वो उसे बाहर नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि सवेरा जब होगा, सूरज जब निकलेगा, चिड़िया जब चहचहा क्या बोलते हैं उसको, चहकेंगी, हमें फोटोसिंथेसिस करना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑलरेडी अंदर है, अभी उसको बाहर निकालू फिर सवेरे वापस अंदर लू, क्यों डबल काम करूं भाई मैं? अंदर पड़ा है, अंदर ही पड़े रहे, तुझे बाहर नहीं निकालूंगा। तो ऑक्सीजन को यूज करके प्लांट्स करते हैं रेस्पिरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो उनके पास ये स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको तुमने बोल दिया स्टोमेटा। अब मान लो कि भाई तुम एक मछली थी,
ठीक है, तुम एक मछली हो, मैं थोड़ी सी बड़ी मछली बनाऊंगा, मुझे शार्क बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है, तो आई विल मेक द शार्क, आई विल मेक द शार्क, ओके, एंड या शार्क जैसी कुछ लग रही होगी शायद। ऑलराइट, सो 1 2 3 4 5, ओके, सो व्हाट आई हैव इन हियर इज अ टिपिकल टिपिकल टिकल टिपिकल फिश दैट आई एम अवेयर ऑफ, और ये एक शार्क जैसी कुछ लगनी चाहिए आपको। अब ये मछलियां क्या करती हैं यार, पानी में रहती हैं, ये गैस कैसे लेंगी भाई, ये तो हवा से ले गया प्लांट हमारा, ठीक है, ये तो पानी में रहती है, ये कैसे लेगी गैस, गैस तो होती नहीं है पानी के अंदर, होती नहीं है ऑक्सीजन पानी के अंदर, होती है नहीं होती है, होती है पानी के अंदर गैस होती है, और वो जो होती है ऑक्सीजन जो होती है डिसॉल्व फॉर्म में होती है, तो ये लोग क्या करते हैं पानी को अंदर सक कर लेते हैं, मुंह से ही पानी को अंदर लेते हैं जिसके अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन था। अब वो पानी गया इनकी बॉडी के अंदर, डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर दिया और गिल्स की मदद से बाहर जो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड था वो पानी के अंदर डिस्चार्ज कर देंगे और उसे बाहर निकाल देंगे, ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में पानी के साथ बॉडी के अंदर घुसा, मुंह से यूटिलाइज कर लिया गया, रेस्पिरेशन कर लिया गया, बीच में जो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड निकला था डिसॉल्व फॉर्म में उसको पानी के अंदर ही मिक्स करके बाहर निकाल दिया। मछलियों का काम बड़ा सिंपल था, बट क्योंकि इनकी बॉडी छोटी होती है, मछलियों की बात हो रही है, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है जिनकी बॉडी छोटी है, क्योंकि इनकी बॉडी छोटी होती है इनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और दूसरी बात क्योंकि अमाउंट ऑफ अवेलेबल डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज ऑल्सो लेस, उसके वजह से भी रेस्पिरेशन ज्यादा होता है, तो एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है भाइयों, अगर लिख रहे हो तो प्लीज मार्क करके लिखना कि डिसॉल्व ऑक्सीजन का कम होना, दूसरा बॉडी की साइज का छोटा होना, दो मेन रीजन है जिसके वजह से एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है या ब्रीदिंग है वो ज्यादा होता है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम अपनी बात करेंगे इंसानों की बात, देखो इंसान जो है हमें लगता है कि भगवान, ओ भाई साहब इसको गिल्स बोल रहे थे, ये जो जालिया जैसा कुछ बनाया था उसको गिल्स बोल रहे थे हम, ठीक है। अब अगर तुम इंसानों की बात करते हो तो हम समझते हैं इंसान जो है वो भगवान की सबसे सबसे जटिल रचनाओं में से एक है, ठीक है, तो या तुम देखोगे कि तुम्हारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, और इसमें इसमें क्योंकि अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं और मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं इसलिए मैं तुमसे थोड़ी सी पंचायत लगा रहा हूं, ठीक है। आपके पास ये लंग्स जैसे कुछ हो गए हैं, और लंग्स हमारे पास दो होते हैं बच्चों, तुम देख पाओगे कि इसमें से इधर इधर मतलब लेफ्ट साइड का जो तुम्हारा लंग है उसमें मैंने यहाँ पे थोड़ी सी खाली जगह छोड़ी है, वो खाली जगह इसलिए छोड़ी है ताकि वहां पर हम आगे जाकर के हमारे हार्ट को एक्चुअल में अरेंज करते हैं, हमारी बॉडी में हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है इसलिए यहाँ पे जो लंग्स है वो थोड़े से लंग की जो साइज है कंपेरेटिवली थोड़ी छोटी होती है, ये जो जगह होती है इसको कार्डियक नॉच बोला जाता है, इसे कहा जाता है कार्डियक नॉच, ठीक है। अब मुद्दे की बात पे आता हूँ, बहुत इधर उधर की बात हो गई, होता ये है कि हमारे अंदर जब रेस्पिरेशन की बात होगी तो हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं लंग्स, वी हैव गॉट अ पेयर ऑफ लंग्स, बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, अब तुम्हें ये चीज पता होनी है, फिर से नहीं पता है तो गौरव सर तुमको बता दे रहे हैं, तुम्हारे जो लंग्स हैं, तुम्हारा जो ब्रेन है, तुम्हारा जो हार्ट है, थ्री ऑफ देम आर अ वेरी 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 एसेंशियल एंड अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन, तुम्हारी पूरी उम्र भर की कमाई यही है, तुम्हें जिंदा रखने की मशीनरी यही है, कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पैसे अगर तुम्हारे पास हो तो तुम उसे खुला नहीं रखोगे, तुम उसे तिजोरी में छुपा के रखोगे, तो ये हमारे जो हार्ट और लंग्स है उसे तिजोरी में छुपा के रखा गया रिब केज के रूप में, ऊपर तुम्हारे ब्रेन को छुपा के रखा गया क्रेनियम के रूप में। नाउ कमिंग टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ योर्स, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब बात करोगे सबसे पहले आपके पास आएगा आपका नोज, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल कहेंगे इसे, ठीक है। अब हम जब ऐसे खड़े हो जाते हैं तो हवा जो है वो सबसे पहले गई हमारे नॉस्ट्रिल्स में, तो मैं यहां पे लिख देता हूं नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद में वो जाती है ऊपर की जगह पे, यहां पर इस जगह पे जिसको हम बोलते हैं इसके पीछे की तरफ होता है नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर,
बच्चों नेजल चैम्बर जो है उसी के अंदर नॉस्ट्रल के अंदर जब आप पहुंचते हो तो आप देखते हो वहां पर हेयर होते हैं, कुछ म्यूकस ग्लैंड होती हैं जो कचरे को फिल्टर करने का काम कर लेंगी। उसके बाद में नेजल चैम्बर आया। नेजल चैम्बर के बाद में क्या होता है भाई, थोड़ा सा नीचे उतरोगे तो आप पहुंच जाओगे फैरिंग्स में। फैरिंग्स में, फैरिंग्स वो जगह है जहां पर तुम्हारा मुंह और तुम्हारा नाक आपस में जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो कभी अगर तुमने यह एहसास किया हो कि तुमने नाक के अंदर कोई नेजल ड्रॉप डाली हो तो उसका टेस्ट शायद तुमको तुम्हारे मुंह तक भी आता है। तो इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस। फारिंग्स देन ओपन्स इनटू द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज लैरिंग्स। यहां पर होता है लैरिंग्स। इसके अंदर आपके वॉइस बॉक्स होते हैं, ठीक है। और यहां पे हाथ रखो, यहां पे हाथ रखो और सारे गा मा पा करो। सारे गा, व्हेन यू डू दैट सारे गा मा पा, द नी सा एंड व्हाटएवर द सात सुर सात सुर आर, यू रियलाइज यहां पे वाइब्रेशन फील होगा। वहां पर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जब हम बोलते हैं तो वाइब्रेट करते हैं और उसके वजह से हमारी आवाज निकलती है और टंग उसको उसको फैसिलिटेट करती है। लैरिंग्स से जब नीचे उतरोगे, यहां पर पहुंचोगे तुम थोड़ा सा नीचे में इस जगह पर, एंड यू रीच दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ट्रेकिया। ओके, यू हैव रीच ट्रेकिया। यू स्टार्टेड फ्रॉम नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रेकिया। ट्रेकिया विल देन फाइनली बाइफरकेट इनटू दीज स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, ब्रोंकाई और ब्रोंची। पता नहीं ब्रोंची क्यों बोलते हैं, ब्रोंकाई आप बोलेंगे। ब्रोंकाई जो थे बच्चों वो आगे जाके टर्मिनेट होंगे और दूसरे छोटे फाइन ट्यूब्यूल्स में, फिर ये जाके और पतले होंगे, तो ब्रोंकियल ट्री बनता है बेसिकली। और लास्टली बहुत फाइन ट्यूब्यूल पहुंचते हैं वो आप ब्रोंकियोल्स के रूप में, ब्रोंकियोल्स के रूप में। और अंगूर का गुच्छा देखा है कभी आपने, अंगूर का गुच्छा देखा है कभी आपने, वैसे यहां पे गुच्छा लगा रहेगा, ठीक है, ऐसे गुच्छा लगा रहेगा। और इसे आपने कहना है एलवीओलाई। क्या कहोगे, एलवी ओलाई। तो ब्रोंकियोल्स वुड ओपन इन टू एलवी ओलाई। अब भाई मजेदार चीज हो रही है, देखना अच्छे से। तुमने सांस ली, नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन पहुंची। पहुंची सभी गैस है, पहुंची वहां पर सभी गैस है, पर यूटिलाइज होगी केवल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड इनफैक्ट मीथेन, और ये सारी गैसेस जो है हमारे लंग्स में जा रही है, बट यूटिलाइज केवल और केवल और केवल और केवल ऑक्सीजन हो रही है। क्यों हो रही है, हमने देखा था, ठीक है। अब ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंच गई, आगे क्या, आगे क्या बॉडी में कैसे जाएगी मेरे भाई। सर्कुलेटरी सिस्टम को बुलाओ। हार्ट था, हार्ट में से पल्मोनरी आर्टरी थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती थी लंग्स तक। लंग्स में जब ब्लड आ रहा था, ब्लड के अंदर एक स्पेशलाइज सेल होती है, इसको तुम बोल रहे थे आरबीसी। आर पकड़ के रखना, खाली बाद वाले शब्दों पे मत चले जाना। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स और रेड कॉपर सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स। उनका कलर था लाल। वीडियो में मैंने सवाल पूछा हुआ था आपको, अगर आपने वीडियो देखा है तो जवाब पता होगा, नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में दे दे रहा हूं लिंक, देख लेना। हीमोग्लोबिन नामक एक पिगमेंट होता है जिसको बहुत 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 लगाव होता है ऑक्सीजन से और थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड से भी। वो जैसे ही लंग्स में देखता हो ऑक्सीजन, इतने सारे ऑक्सीजन, खुशी के मारे पागल हो जाता है, खुशी के मारे पागल हो जाता है। उसके पागल होने का रीजन था क्योंकि वो बॉडी से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आया था। फर्ज कर लो कि भाई आपके सामने, ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। कुल मिला के बात ये थी कि जब वो देखता है कि भैया ऑक्सीजन था, वो बॉडी से बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आया था, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में छोड़ देता है और ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। कौन, आरबीसी। पल्मोनरी वेन इस ऑक्सीजन वाली आरबीसी, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पकड़ती है और हार्ट के लेफ्ट एट्रिया तक पहुंचा देती है और ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। लंग्स में बेसिकली हो गया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड आई वो आई बॉडी में से, लंग्स में जो ऑक्सीजन आया वो आया हवा में से। एक्सचेंज करी किसके द्वारा, इस एल्वियोलाई के द्वारा। अब एक्सचेंज होने के लिए भाइयों मेरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इस एल्वियोलाई के लेवल का, एल्वियोलाई की वॉल का बहुत
बहुत पतला होना जरूरी है, अनलेस दे आर वेरी थिन एक्सचेंज विल नॉट टेक प्लेस. सो दे आर वेरी थिन एंड ऊपर से इसके ऊपर ब्लड लाना था तो कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, यहां पर कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है एंड दे कैन कैरी आउट एक्सचेंज. नाउ नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जब एक्सचेंज होगा, जब एक्सचेंज होगा तो तुम्हारे ये जो रिब केज है, तुम्हारे जो यहाँ पे डायफ्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे. होता ये है जब हमें सांस लेनी होती, प्रेशर डिफरेंस पे ज्यादा काम होता है. आपके लंग्स के अंदर प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है, बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है, तो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन अंदर घुसती है, बट तुम्हारी छाती जो है, जो रिब केज है, वो उसको अंदर घुसने से रोकता है. तुम्हारे रिब केज जो थे वो एक्सपांड करते हैं, एक्सपांड होंगे और डायफ्राम जो था वो नीचे जाएगा. तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करा, रिब केज एक्सपांड करे, लंग्स के अंदर की जो वॉल्यूम थी वो बढ़ गई थी, प्रेशर और लो हो गया था, उसके वजह से बाहर से हवा आ गई अंदर, बाहर से हवा आ गई अंदर, अंदर हुआ एक्सचेंज ऑफ गैस, अंदर हुआ एक्सचेंज ऑफ गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो बॉडी से आया तुम्हारे लंग्स में, लंग्स से जो जो ऑक्सीजन थी वो ब्लड की मदद से पहुंचा दी गई बॉडी के अंदर. अब लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा थी, एक्सपांडेड था, प्रेशर ज्यादा है, बाहर ऑक्सीजन का आई मीन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम था. क्या होगा, डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रिलैक्स होकर ऊपर चला गया. डोम शेप होता है डायफ्राम, कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे आप डायग्राम में देखिएगा, कुछ ऐसा होता है, डोम शेप होता है डायफ्राम. जब आप रेस्पिरेशन में ब्रीथ इन करते हो, इनहेलेशन करते हो, तो डायफ्राम नीचे चला जाता है और रिब केज जो थे वो थोड़े से एक्सपांड करके ऐसे फैल जाते हैं. जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना होता है तो डायफ्राम जो था वो ऊपर आ जाता है कंपैरेटिवली, और रिब केज जो है वो सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है. प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर निकाल दी जाती है, एंड दिस इज हाउ रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड. नाउ वी हैव अंडरस्टूड इन दिस वीडियो कि रेस्पिरेशन क्या होता है. सबसे पहले डेफिनेशन समझी हमने, ये समझा पावर हाउस क्यों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, हमने ये समझा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है, हमने ये समझा देखो वो जो हार्ट यहीं पे है तो बहुत ज्यादा पल्मोनरी आर्टरी और वेन को सफर भी तय नहीं करना पड़ेगा. हमने ये भी समझा कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो किस तरीके से बनी, कैसे चीजों का आदान प्रदान हुआ, कैसे चीजें अंदर आई, कौन कौन से सिस्टम जो थे वो साथ में काम कर रहे थे. रेस्पिरेटरी सिस्टम कभी अकेला काम नहीं करेगा, इनफैक्ट तेरी बॉडी के अंदर, तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी सिस्टम कभी भी अकेले काम करता नहीं है, बहुत सारे सिस्टम मिलके काम करते हैं. वैसे ही हमें सबको मिल करके इस कोरोना को हराना है. स्कूल्स चालू हो रहे हैं 11 तारीख से, उम्मीद करूंगा जो भी बच्चा स्कूल जा रहा है बहुत 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 सेफ प्रैक्टिस आप लोग अंडरटेक कीजिएगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिएगा, सैनिटाइजर रखना जरूरी है, मास्क पहनिएगा, व्हाटएवर स्कूल्स यू आर गोइंग इनटू. अगर स्कूल्स वाले बराबर केयर ले रहे हैं तो भी आपको अपनी सेफ्टी खुद रखनी है, अगर स्कूल वाले केयर नहीं ले रहे हैं तब भी हम खुद हमारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हमें. मैं उसी बात पर इस वीडियो को यहाँ पे ब्रेक दूंगा, रोकूंगा और आप लोग को भी आराम करने का मौका दूंगा. थैंक यू वेरी मच. अगर आप बात मानेंगे तो ट्रस्ट मी आप अपना और अपनी फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा उपकार करेंगे. दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अगर आप एक नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपके फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखें, मैं सीरियसली चाहता हूँ आप अपना ध्यान रखें. थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू.